हमारे पास ओपीडी में जब भी खवातीन आती हैं और हम उनको बोलते हैं कि आप खुद घर पे ब्रेस्ट एग्जामिन करें, तो अक्सर का ये सवाल होता है कि हमें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना आती नहीं है। यूट्यूब पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस मौजूद हैं, एक दो उर्दू में भी मौजूद हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि उनमें कुछ कमियां हैं, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूं। सबसे पहले कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स जो हम क्लियर कर लें, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मैं समझता हूं वो वीडियोस ज्यादा अच्छी नहीं है। काफी सारी वीडियोस में जो खवातीन को बताया गया ये उस बात पे फोकस नहीं किया गया, ब्रेस्ट एग्जामिन करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो अपने उंगलियों के पोरों से ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। ब्रेस्ट को दबा दबा के नहीं देखना है, जब भी आप ब्रेस्ट को दबाकर देखेंगी आपको कुछ ना कुछ फील होगा। वो ब्रेस्ट की नॉर्मल डक्स हैं, खवातीन दबाती हैं, दो तीन डक्स एक साथ पकड़ी जाती हैं तो खवातीन को ऐसा लगता है लंप है, पहली चीज। दूसरी चीज, हर औरत को मेमोग्राम नहीं करवाना। मेमोग्राम इन सिंपल वर्ड्स ब्रेस्ट का एक्सरे है। 40 साल से कम उम्र की खातून को अगर कोई इशू हो, कुछ किताबें कहती हैं 35, कुछ किताबें कहती हैं 40, 35 से 40 साल की कम उम्र में अगर कोई इशू हो तो अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करवाया जाता है, और 35 से 40 साल के बाद अगर कोई इशू हो तो मेमोग्राम करवाया जाता है। ये दूसरा पॉइंट क्लियर कर दें। तीसरा पॉइंट, हर औरत को 40 साल की उम्र के बाद हर 3-3 साल बाद अपना मेमोग्राम करवाना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, अगर आपकी वालदा को, आपकी सिस्टर को या आपकी खाला को, किसी कुछ किताबों में फुप्पो का भी लिखा हुआ है, ठीक है, आंटीज का लिखा हुआ है, अगर इनको ब्रेस्ट कैंसर है, और सपोज एक औरत की 3 बहनें हैं, 3 को ब्रेस्ट कैंसर है, उसको नहीं हुआ, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, इस कंडीशन में किताब ये कहती है कि 20 से 40 साल की उम्र के दौरान भी औरत को हर 5-5 साल पे अपना अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। तो ये पहले तो हमने 3 पॉइंट्स क्लियर कर लिए। हम अभी अपने स्पेसिमेन की तरफ चलते हैं और जो पॉइंट्स जो नहीं है दूसरी वीडियोज में जिनपे मैंने रोशनी डालना मुनासिब समझा, उस पर एग्जामिनेशन करने का तरीका बताते हैं। देखें, काफी सारी वीडियो में वो बात नहीं बताई गई जिस तरीके से हम डॉक्टर्स एग्जामिन करते हैं। वीडियोस में ही बताया गया है दबा के देखें और कोई भी छाती या गिल्टी महसूस हो तो डॉक्टर के पास जाएं। नहीं, दुनिया आगे बढ़ चुकी है, आप इससे ज्यादा अपने लिए कर सकती हैं। दिस इस तरीके से दबा के देखना, इस तरीके से दबा के देखना इज रॉन्ग। अच्छा, रैंडमली दबाकर देखना या रैंडमली पेल्पेट करना इज ऑल्सो रॉन्ग। आप कोई ना कोई पार्ट मिस कर जाएंगी। हम डॉक्टर्स जिस तरीके से एग्जामिन करते हैं, अगर ये लेफ्ट ब्रेस्ट है और ये राइट ब्रेस्ट है, ठीक है, इस लेफ्ट ब्रेस्ट को आपने घड़ी तसव्वुर करना है, ये घड़ी के 12 बज रहे हैं, ये 3 बज रहे हैं, ये 6 बज रहे हैं, ये 9 बज रहे हैं। जिस तरीके से हम डॉक्टर एग्जामिन करने करते हैं, उंगलियों के पोर 12 बजे वाली पोजीशन पे रखने हैं और इसको इस तरीके से पेल्पेट करना है। उसके बाद 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, इस तरीके से क्लॉक वाइज पोजिशन में वापस 12 o'clock पे आके पेल्पेट करना है। इसका तरीकाकार ये होगा कि आपको, आप कोई पार्ट मिस नहीं करेंगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको 4 o'clock पे कोई चीज महसूस होती है तो आप अपने डॉक्टर से डायरेक्टली जाकर डिस्कस कर सकती हैं कि मुझे 4 o'clock पे मिस हो रहा है। तीसरी चीज, कभी कभार साइकिल्स के दौरान, पीरियड्स के दौरान कुछ लंप आते हैं और चले जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि आपके 4 o'clock पे लंप मौजूद है। हमारे पास खवातीन आती हैं, पॉइंट आउट करके बता रही होती हैं, इधर इधर, ऐसे नहीं करना है। दुनिया तरक्की कर गई है, आप भी तरक्की करें। अगर आपको लंप महसूस हो तो आप बोले 4 o'clock पे लंप है। तो ये स्टेप 1 है एग्जामिनेशन का। स्टेप 2, ये जो बीच वाला पार्ट है ये एरियोला कहलाता है। कुछ खवातीन का ब्लैक होता है, कुछ का ब्राउन, कुछ का पिंक। दूसरा पार्ट ये है कि भाई अपने उंगली के पोर एरियोला पे रख के दबाने, इसके नीचे भी अगर कोई लंप फील हो तो वो आपको महसूस हो जाएगा। किसी भी सूरत में एरियोला को दबा के लंप महसूस नहीं करना, इसको दबाएंगे आपको लंप फील होगा। ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट, बहुत ही आराम से निपल को स्क्वीज करना है। अगर निप्पल से किसी भी तरह का मवाद आ रहा है, चाहे वो रेड कलर का हो या ट्रांसपेरेंट हो, अलबत्ता ये कि औरत दूध ना पिला रही हो, दूध के अलावा किसी भी तरीके का मवाद आ रहा है तो वो खतरे की बात है, आपने डॉक्टर को विजिट करना है। ये तीसरा पार्ट हो गया एग्जामिनेशन का। चौथा पार्ट, ये जो बगल का पार्ट होता है ये भी ब्रेस्ट का हिस्सा होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में एक्सिलरी टेल कहते हैं। तो एंड में आपने अपने ब्रेस्ट, अपने बगल के में, बगल में भी उंगलियों के पोर डाल के एग्जामिन करना है। इसी तरीके से अगर ये राइट ब्रेस्ट हो गया तो ये 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, इसी तरीके से आप पूरे ब्रेस्ट को पेल्पेट करेंगे, एरियोला को पेल्पेट करेंगे, निपल को स्क्वीज करेंगे और फिर एंड में बगल को एग्जामिन करेंगे। हर औरत को महीने में एक दफा अपनी छाती का मुआयना करना चाहिए। सबसे अच्छी पोजीशन स्टैंडिंग पोजीशन है, आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं, एक हाथ ऊपर कर लें। अगर आपको फील नहीं हो रहा, आप अपने हाथों पर साबुन लगा लें, ब्रेस्ट पे भी साबुन लगा लें और फिर पेल्पेट करें, तो आपको और ज्यादा अच्छे से पेल्पेट होगा। 40 साल की उम्र के बाद हर 3 साल बाद अपना मेमोग्राम कराएं। मेमोग्राम पे अगर कोई फाइंडिंग आती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। 2 सेंटीमीटर से छोटा है तो वो स्टेज 1 है, 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा है तो वो स्टेज 2 है।
अगर बगल में लिम्फ नोड पॉजिटिव आए हैं तो वो स्टेज 3 है, और अनफॉर्चुनेटली बॉडी में कहीं और गया हुआ है तो वो स्टेज 4 है। तो आई होप इस वीडियो से काफी अवेयरनेस दी गई है और वो पॉइंट्स कवर किए गए हैं जो यूट्यूब पे दूसरी वीडियोस में मौजूद नहीं थे। फिर भी अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, उसका आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू।